फैलो शब्द संबोधित करे तो मैं ऐसे व्यक्ति का कट्टर विरोधी हूं, क्योंकि मेरे सामने हुआ मैंने अनेकों मंचों से बताया है। मैं बहुत छोटा था तब से लेकर अब तक की यात्रा में तो मैंने अनेकों बार उन बातों को व्यक्त किया है। मैं किसी राजसत्ता के सहयोग से नहीं चल रहा। बागेश्वर महाराज और प्रखर महाराज सब लोग सुन लेना, योगाचार्य सुन लेना, रामदेव कुमार स्वामी, रामपाल, निर्बल बाबा और तुम्हारे गैंग के जितने लोग हों, सहयोगी जितने हों, इच्छाधारी फलाधारी न मालूम कितने धारी, उन सभी को कहता हूं पूरा प्रयास कर लेना। मैं किसी धनबल के प्रयास से उसे वैभव से कार्य नहीं करता, किसी राजनेताओं के सहयोग से कार्य नहीं करता, मैं करता हूं माता आदि सज्जनी जगदम्बा की कृपा के बल पर। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्रखर महाराज, मेरा तो जीवन स्पष्ट है, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, मंचों के माध्यम से बहुत कुछ बताया जा चुका, फिर भी आपकी सिद्धियां काम करना तो बंद कर दी काफी कुछ। कि आप जब मुझे यह नहीं बता पाए, लोगों को गलत बताया कि मेरी तुम्हारी 25 साल पहले मुलाकात हुई है, मेरी कभी तुमसे मुलाकात नहीं हुई है। शिष्यों समाज को गुमराह मत करो, अगर ऐसा कोई एक प्रमाण दे दोगे तो मैं आजीवन आपकी गुलामी करूंगा। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। यह धार्मिक स्थान तो कभी गुलाम नहीं होगा, न तुम मुझे कभी गुलाम बना पाओगे, क्योंकि मैं जानता हूं। मगर कहीं पर भी तो कुछ सही ज्ञान कराए होते, दूसरों को बताते हम ये बता देंगे, वो बता देते हैं, ये ऐसा कर देंगे, वो ऐसा कर देंगे, झूठी जानकारियां दे सकते हो कि मैं ऐसा करता था पहले, वो ऐसा करता था। मेरा जीवन तो बचपन से लेकर समाज के बीच है, यात्रा समाज के बीच है। मैं कब कहां रहा हूं, एक एक दिन का एक एक मिनट का खाका मिल जाएगा। फिर भी गलत जानकारियां आपने हासिल की, आपकी विद्याएं क्या काम कर रही हैं? और थोड़ा सा प्रयास करो प्रखर सरकार। मैंने कभी पेड़े नहीं बेचे, मैंने कभी सरकारी नौकरी नहीं की, मैं केवल एक सरकार की नौकरी करती हूं, जो माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा है। मैं बचपन से उन्हीं का नौकर हूं, बचपन से ही मैंने अपने भाइयों के बीच कह रखा था मुझे जीवन में कोई नौकरी नहीं करना। अपनी आवश्यकताओं के लिए मैंने बिजनेस व्यापार के रास्ते को जरूर अपने साथ जोड़ा, कृषि कार्य को अपने साथ जरूर जोड़ा, मगर मैंने किसी की नौकरी नहीं की, मुझे कोई आवश्यकता भी नहीं पड़ी, क्योंकि मैं धन का भूखा कभी रहा ही नहीं। धन और धर्म में मैंने हमेशा धर्म को प्राथमिकता दी। वो परमात्मा की सत्ता का धनी हमारा विरोध नहीं कर सकता, हमारा विरोध तो वही करता है जो आम इंसान नीच आदमी होता है, वही मेरा विरोध करता है। मैंने मैसेज देखा, कोई मुझे ललकारे और हम सुनते रहे, हम उनमें से नहीं है, लेकिन कानून का जमाना है, यदि कानून का जमाना नहीं होता तो उनका पता नहीं लगता कि महाराज जी कहां चले गए। कानून को मैं हाथ में लेता नहीं हूं, कानून कानून काम करता है, हम काम करते हैं। इसलिए खैर समझे महाराज जी अपनी तुम, कि तुमको मैं कुछ कर नहीं रहा हूं, जिस दिन कर दूंगा तो पता नहीं लगेगा कहां चले गए। इसलिए कानून का सारा लीजिए और कानून से ही हमसे बात करें तो आपकी जिंदगी बेहतर होगी, अन्यथा पता नहीं होगा महाराज जी आप दुनिया में कहां थे कहां चले। आपने मेरा नाम लिया, अभी तक तुम जिनके नाम लेते रहे होंगे, मैं पंडोकर धाम का स्वतंत्र पीठ का पीठाधीशर हूं, मैं किसी के अधीन नहीं हूं। आपने किसी अन्य लोगों के चलते क्रम नाम में मेरा नाम लिया है, उनने भलाई आपको जवाब नहीं दिया हो, लेकिन महाराज जी जिस चैनल पर तुम्हारा नाम चल रहा है, जिस चैनल पर तुम्हारा प्रसारण हो रहा है, जिस चैनल पर आप मेरे बारे में बोले हैं, मैं उसी चैनल से आप शक्ति पुत्र, किसने तुम्हें शक्ति पुत्र बनाया, कौन है तुम्हारा दाता, कौन है तुम्हारा जन्मदाता, किसने तुमको शक्ति दी,
और किसने तुमको धर्म सम्राट बनाया? मैं भी पंडोकर धाम का पीठाधीश्वर, त्रिकालदर्शी सम्राट के नाम से भक्त जानते और मानते हैं, लेकिन मैंने अपने आप को कभी नहीं कहा कि मैं त्रिकालदर्शी हूं। तुम कौन कैसे कह सकते हो कि तुम धर्म सम्राट हो? अरे स्वामी, इस जगत के साक्षात परमात्मा स्वरूप वह परमहंस करपात्र जी महाराज जी को आपने नाम नहीं सुना? आपने आदिगुरु शंकराचार्य जी का नाम नहीं सुना? आपने उनके आख्यानों को नहीं सुना पड़ा? क्या आप भारत भूमि से नहीं हो? किस भूमि से आप प्रगटे हो? शक्ति पुत्र जी सावधान, आप पंडोकर सरकार गुरु शरण जी किससे फंस गए हैं? आप और किसी के नाम लेते रहते? मैं गुरु शरण हूं, पंडोकर धाम का पीठाधीश्वर हूं, आप श्री शक्ति पुत्र हैं। किस बेवकूफ ने तुम्हें शक्ति पुत्र बना दिया? और कहां से तुम शक्ति पुत्र हो? आपको इतना अहंकार अहम है? आपको वो दिन भूल गए कि उत्तर प्रदेश में जब उरई में हमारी आपकी पहली मुलाकात हुई थी, आप 500 बार 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 प्रणाम कर रहे थे? क्या वो दिन याद है आज से 25 साल पुराने, बाबा गंधर्व सिंह के पेट्रोल टैंक पर? मैं वही गुरु शरण हूं। अब हो सकता है कि पगड़ी पहने रहता हूं आप भूल गए हो, आपकी आंखों में ज्यादा जल्दी से रतौंधा आने लगा होगा इसलिए पहचानना भूल गए। मैं वही गुरु शरण हूं जिसके लिए आप 500 बार झुक करके प्रणाम कर रहे थे। मैं वही बालक जिस जमाने में आपकी जवानी थी और आप 10-10, 20-20 बच्चियां बेटियों को त्राटक और कौन सी ज्योति दिखाया करते थे, तब मेरे लाइन में आप घंटों खड़े रहे। और जिन घरों में जहां तुम गुरु हो उन्हीं घर में उनके पिताओं के गुरु मैं बैठा हूं छतरपुर में हसाटी परिवार में, ध्यान रखिए।